हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं माय इंग्लिश बुक का 3.2 इंग्लिश की स्टोरी है। स्टोरी का नाम है द मैजिक हर्ब। मैजिक मतलब जादुई, हर्ब मतलब बूटी। तो जो जड़ी बूटी होती है, जादुई बूटी होती है, उसको मैजिक हर्ब बोला जाता है। नॉक नॉक नॉक। Someone was knocking on the door of the inn. It was already getting dark outside. Knock knock का मतलब है जैसे कोई दरवाजे पे खटखट करता है, दरवाजे पे knock देता है कि दरवाजा खोलो। तो कोई तो है, someone मतलब कोई है, was knocking मतलब कोई एक, पता नहीं है कौन था, समवन मतलब कोई तो दरवाजे पे, इन के दरवाजे पे। इन क्या होता है बच्चों? छोटा सा होटल। तो जो छोटा सा होटल है उसके दरवाजे पे कोई नॉक नॉक कर रहा था। इट वॉज ऑलरेडी गेटिंग डार्क आउटसाइड मतलब ऑलरेडी मतलब हो चुका है, वहाँ पे बाहर अंधेरा हो चुका है। हु इज देयर? द इन कीपर कॉल्ड फ्रॉम विद इन। अब जो इनकीपर है, इनका जो मालिक है, जो उसको संभालने वाला है, उसका मालिक है, उसने अंदर से पूछा, हु इज देयर मतलब कौन है जो नॉक कर रहा है, वो कौन है। आई एम अ पुअर टायर्ड मर्चेंट, आई वॉन्ट टू स्पेंड द नाइट एट द इन, सेड द मैन आउटसाइड। अब यहाँ पे जब उसने पूछा इनकीपर ने कि कौन है, तो बाहर से आवाज़ आती है कि मैं पुअर, पुअर का मतलब है बच्चों गरीब, टायर्ड मतलब थका हुआ, मर्चेंट मतलब व्यापारी, मतलब ये बता रहा है जो बाहर आदमी था जो नॉक नॉक कर रहा था वो बता रहा है कि मैं गरीब और थका हुआ व्यापारी हूँ। आई वॉन्ट टू स्पेंड, स्पेंड मतलब गुजारना, द नाइट एट द इन मतलब आपके जो इन है उसके अंदर मैं रात गुजारना चाह रहा हूँ, वो आदमी ने जो बाहर नॉक नॉक कर रहा था उसने बोला। द इनकीपर वॉज नॉट प्लीज्ड टू हियर दैट द मैन वॉज पुअर। अब जो इनकीपर था, इनका जो मालिक था, उसको प्लीज मतलब अच्छा नहीं लगा ये सुनकर कि वो जो बाहर आदमी खड़ा है वो गरीब है, मतलब उसको वो बात अच्छी नहीं लगी कि जो नॉक नॉक कर रहा है वो एक गरीब आदमी है। बट ऑल द सेम ही ओपन्ड द डोर एंड ब्रॉट हिम इनसाइड। पर क्या हुआ, उसने क्या किया बच्चों, दरवाज़ा खोला और उसको जो बाहर आदमी खड़ा था उसको अंदर लेकर आया। द मर्चेंट वोर सिंपल गारमेंट्स एंड कैरिड ओनली अ सिंपल क्लॉथ बैग ऑन हिज बैक। जो मर्चेंट था बच्चों, जो व्यापारी था, उसने सिंपल गारमेंट्स मतलब कपड़े, उसने बहुत ज़्यादा सिंपल कपड़े पहने हुए थे बिकॉज वो आदमी बहुत गरीब था। एंड कैरिड मतलब उठाना, ओनली अ सिंपल क्लॉथ बैग ऑन हिज बैग, बैग मतलब उसकी पीठ, उसकी पीठ पे उसने एक सिंपल सा क्लॉथ मतलब कपड़े का बना हुआ बैग उठाया हुआ था उसने। आई हैव स्पेंट अ लॉन्ग टायरिंग डे एट द मार्केट। मतलब वो जो आउटसाइडर था जिसको इनकीपर अंदर लेकर आया, वो जो मर्चेंट था, वो बता रहा है बच्चों अभी कि मैंने लॉन्ग मतलब लंबा, टायरिंग मतलब थकने वाला दिन मार्केट में बिताया। अब वो आदमी बता रहा है कि मैंने लंबा और थकावट वाला दिन मार्केट में बिताया है। आई डोंट हैव द एनर्जी टू वॉक बैक टू माई विलेज। मतलब वो अभी आदमी बता रहा है, मर्चेंट बता रहा है कि मेरे में शक्ति, एनर्जी मतलब शक्ति नहीं है कि मैं वॉक करके अपने गांव को वापस जाऊं। प्लीज़ प्रिपेयर
अ सिंपल डिनर फॉर मी, रिक्वेस्टेड द मर्चेंट। अब मर्चेंट जो है रिक्वेस्ट कर रहा है इनकीपर को कि प्लीज़ मेहरबानी करके मेरे लिए सिंपल डिनर, मतलब सिंपल सा सादा सा डिनर, मतलब रात का खाना बनाओ। द इनकीपर जस्ट नॉडेड एंड वेंट बैक टू द किचन। अब जो इनकीपर था ना, उसने हाँ किया, सर हिलाया, सर हिला के हाँ किया और वापस किचन में चला गया। उग, व्हाट्स द पॉइंट इन सर्विंग सच बेगरली कस्टमर्स, ही कॉल्स हिमसेल्फ अ मर्चेंट बट लुक एट हिज क्लॉथ्स। अब ये जो था ना उग, मतलब गुस्से में क्या बोल रहा है, व्हाट्स द पॉइंट मतलब क्या मतलब है, सर्विंग मतलब देना खिलाना, सच बेगरली, बेगरली का मतलब होता है भिखारी जैसा, कस्टमर मतलब ये जो कस्टमर है ये भिखारी जैसा है, उसको सर्व करने से कोई मतलब ही नहीं है। ही कॉल्स हिमसेल्फ, ये अपने आप को मर्चेंट कह रहा है, बट लुक एट हिज क्लॉथ्स मतलब इसके कपड़ों की तरफ देखो, लुक एट हिज बैग मतलब इसकी बैग की तरफ देखो, हिज शूज आर ऑल वॉर्न आउट, वॉर्न आउट मतलब फटे हुए, उसके जो शूज हैं पूरी तरह से फटे हुए हैं। ही हैज़ टू कैरी हिज मर्कंडाइज हिमसेल्फ, ये अपना मर्कंडाइज मतलब बच्चों सामान जो बेचने जाते हैं ना, जो मर्चेंट मतलब जो व्यापारी जो सामान बेचने जाता है उसको बोलते हैं मर्कंडाइज। तो उसने अपना जितना भी मर्कंडाइज है, जितना भी बेचने वाला सामान है, खुद ही कैरी किया है, मतलब ये बहुत गरीब है, भिखारी जैसा है। कैनॉट अफोर्ड अ सर्वेंट मतलब ये अफोर्ड मतलब अफोर्ड करने का मतलब होता है कर पाना, सर्वेंट मतलब ये सर्वेंट को भी झेल नहीं पा रहा है, सर्वेंट को भी नहीं ले पा रहा है, मतलब सर्वेंट भी नहीं रख पा रहा है अपने लिए। कैनॉट अफोर्ड इवन अ गुड मील मतलब एक अच्छा सा खाना भी वो नहीं कर पा रहा है अपने लिए। ही बिगेन टू कंप्लेन टू हिज वाइफ, अब ये जो इनकीपर है ना अंदर जाता है और अपनी वाइफ को पूरी बात जाके बताता है, अपनी वाइफ को जाके बताता है, देखो उसकी तरफ ये भिखारी जैसा इंसान है, उसके कपड़े देखो, उसके जूते देखो, उसका बैग देखो, कितना भिखारियों जैसा है, और इसको खाना सर्व करने का कोई मतलब ही नहीं है, और उसके पास तो नौकर भी नहीं है, उसके पास मतलब इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपने लिए नौकर रख पाए, अपना सामान खुद ही उठाए जा रहा है, तो कितना बेगरली इंसान है। ये चिड़के बोल रहा है, इनकीपर बहुत चिढ़ जाता है और चिड़के अपनी जो वाइफ है उसको पूरी कंप्लेन कर रहा है मर्चेंट की। यू आर राइट सेड हिज वाइफ, शी वॉज अ ग्रीडी एंड अनकाइंड एज हर हस्बैंड। अब ये जो उसकी वाइफ थी, इनकीपर की जो वाइफ थी, ये देखिए आप देख सकते हैं इसके साइड में पिक्चर है, दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे दिख रहा है, ये इनकीपर है और ये उसकी वाइफ है। तो इनकीपर की जो वाइफ थी ना वो ग्रीडी थी, ग्रीडी मतलब बच्चों लालची, और अनकाइंड मतलब दिल की बुरी, तो उसकी बीवी बहुत ज़्यादा लालची और दिल की बुरी थी। तो उसने बोला हाँ हाँ आप तो सही बोल रहे हो, क्योंकि वो खुद भी अच्छी नहीं थी। वी कुक अ मील फॉर हिम, गिव हिम अ प्लेस टू स्लीप एंड वॉट इज ही गोइंग टू पे इन रिटर्न, जस्ट अ कपल ऑफ कॉइन्स मे बी, वाई डिड यू टेक हिम इन, ड्राइव हिम आउट। अब इनकीपर की जो बीवी थी ना, वाइफ थी, वो तो उससे ज़्यादा ही अनकाइंड थी। वो बोलती है कि हम लोग, वी कुक मतलब हम लोग उसके लिए खाना बनाएंगे, उसको जगह देंगे रात को सोने के लिए, एंड वो हमें रिटर्न में मतलब उसके बदले में हमें क्या देगा, जस्ट कपल ऑफ कॉइन्स थोड़े कुछ कॉइन्स मतलब सिक्के दे देगा, थोड़े या वो भी नहीं देगा, थोड़े कुछ दे देगा या वो भी, मे बी मतलब शायद वो हमें थोड़े से सिक्के दे देगा। Why you take him मतलब तुम उसको अंदर क्यों लेकर आए, अपने हस्बैंड को बोल रही है कि आप उसको अंदर क्यों लेकर आए, उसको
निकाल देना था, उसको भगा देना था, यहां से अंदर नहीं लाना था उसको। नो नो सेड द इनकीपर, नहीं नहीं इनकीपर ने बोला, दैट इज नॉट गुड फॉर आर रेप्यूटेशन, ये हमारी इज्जत के लिए अच्छा नहीं है। क्योंकि इनकीपर की वाइफ बच्चों बोल रही थी कि आपने उसको मर्चेंट को अंदर क्यों लाए, आप उसको बाहर से ही भगा देते थे। बट इनकीपर ने बोला कि नहीं नहीं ये आइडिया जो है अच्छा नहीं है हमारे रेप्यूटेशन के लिए, क्योंकि हमारी रेप्यूटेशन बिगड़ जाएगी और हमें फिर वापस कस्टमर नहीं मिलेंगे इनके लिए। बट आई हैव एन आइडिया, पर मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, अ वेरी क्लेवर आइडिया, बहुत चालाक आइडिया है मेरे पास। आई हैव दिस मैजिक हर्ब, मेरे पास एक मैजिक हर्ब है। आई बॉट इट लॉन्ग अगो, मैंने उसे बहुत पहले खरीद लिया है। हु एवर ईट्स दिस हर्ब फॉरगेट समथिंग, जो भी इस हर्ब को खाएगा वो कुछ भूल जाएगा। वी विल कुक अ गुड मील फॉर दिस फेलो एंड ऐड द मैजिक हर्ब टू इट, वो बोल रहा है कि हम उस आदमी के लिए मर्चेंट के लिए खाना बनाएंगे, अच्छा खाना बनाएंगे और जो मैजिक हर्ब है उसमें खाने में हम लोग ऐड कर लेंगे। देन ही इज श्योर टू फॉरगेट सम ऑफ हिज मर्कंडाइज हियर टुमारो, और श्योर ये अपना कुछ ना कुछ मर्कंडाइज, मतलब जो बेचने वाला सामान है, मर्चेंट का जो सामान होता है ना बेचने वाला, बच्चों उसको बोलते हैं मर्कंडाइज, तो उसके जो बेचने वाला सामान है वो कुछ ना कुछ भूल जाएगा टुमारो, मतलब कल वो भूल जाएगा। मतलब इनकी जो प्लानिंग थी, क्या थी प्लानिंग, कि अच्छा सा खाना बनाना है और उसमें मैजिक हर्ब को मिला देना है, जैसे वो आदमी खाए और उसका जो सामान है बेचने वाला उसको यहाँ पे भूल जाए और ये लोग दोनों हस्बैंड एंड वाइफ ले लेंगे और उसको बेच के पैसा कमा लेंगे। मतलब उनका ये चालाक आइडिया था। हाउ क्लेवर यू आर, एक्सक्लेम्ड द वाइफ, अब इसकी जो वाइफ थी बोलती है अपने हस्बैंड को कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने होशियार हो। यस व्हाट एल्स कैन ही फॉरगेट, ही हैज़ जस्ट हिज मर्कंडाइज विथ हिम, मे बी ही विल फॉरगेट ऑल ऑफ इट एंड लीव इट बिहाइंड हियर, इट विल श्योरली बी आर्स टुमारो। अब ये बोलती है कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, कितने होशियार हो, हाँ ये अपना कुछ सामान यहाँ पे भूल जाएगा, कुछ मर्कंडाइज मतलब अपना सामान कुछ भूल जाएगा बेचने वाला, जो हमारे पास रह जाएगा और हम ये भूल जाएगा और उसमें से जो छोड़ के जाएगा वो हमारा हो जाएगा और उसे हम लोग ले लेंगे। सो दैट्स वॉट द ग्रीडी कपल डिड, अब जो ग्रीडी मतलब लालची, कपल मतलब जोड़ा, जो हस्बैंड एंड वाइफ थे ना उन्होंने वैसा ही किया, जैसे बोला वैसा ही उन्होंने किया, मतलब उन्होंने खाना तो बहुत अच्छा बनाया पर उसके अंदर हर्ब भी मिला दी। दे कुक्ड अ टेस्टी मील फॉर देयर कस्टमर एंड एडेड द मैजिक हर्ब टू इट, उन्होंने बहुत टेस्टी खाना बनाया कस्टमर के लिए जो मर्चेंट था और उसके अंदर मैजिक हर्ब को ऐड कर दिया। द पुअर मर्चेंट डिड नॉट सस्पेक्ट एनीथिंग, अब जो पुअर मतलब गरीब मर्चेंट था उसको कुछ भी पता नहीं चला, उसने कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगाया कि उसके साथ क्या हो रहा है। ही थैंक्ड द इनकीपर फॉर द गुड मील एंड वेंट टू बेड, उसने जो कपिल थे इनकीपर उसकी वाइफ उसको थैंक्स बोला और खाना खाने के बाद बेड पे चला गया सोने के लिए। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज सून एज द इनकीपर एंड हिज वाइफ वोक अप दे वेंट टू द मर्चेंट्स रूम, अब दूसरी जो सुबह हुई जैसे ही इनकीपर उसकी वाइफ वोक अप मतलब नींद से जागे, दे वेंट टू द मर्चेंट्स रूम मतलब वो मर्चेंट की रूम में चले गए। बट अलास द मर्चेंट वॉज नॉट देयर, द रूम वॉज एम्प्टी, पर दुख की बात है, बड़े दुख की बात है, अलास मतलब बड़े दुख की बात है, जो मर्चेंट था
वो वहाँ पे था ही नहीं रूम में, रूम तो खाली था। एम्प्टी का मतलब होता है बच्चों खाली, खाली रूम था। What's this? There is no one here. क्या है ये, यहाँ पे तो कोई नहीं है। And where is the bag of merchandise that too is gone? और ये बैग किधर गया, मर्कंडाइज का बैग किधर गया, दैट टू इज गॉन। और उसका जो बैग है, मर्चेंट तो चला गया और उसका जो बैग है वो भी साथ में नहीं है, मतलब वो लेकर वो वहां से चला गया, मतलब क्या हो गया। लेट्स चेक, द मैजिक ऑफ द हर्ब इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ही मस्ट हैव फॉरगॉटन समथिंग, ही मस्ट हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड। अब वो लोग बोलते हैं आपस में, वो लोग बातचीत कर रहे हैं आपस में, चलो चलो चेक कर दे, लेट्स चेक, मतलब चलो चलो हम लोग चेक करते हैं। द मैजिक हर्ब इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, मतलब जो मैजिक हमने मिलाया है खाने में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ही मस्ट हैव फॉरगॉटन, मतलब इसने कुछ ना कुछ ज़रूरी, कुछ ना कुछ ज़रूरी भूल गया होगा। ही मस्ट हैव लेफ्ट समथिंग बिहाइंड, मतलब पीछे से इसने ज़रूर कुछ भूल गया होगा, कुछ सामान भूल गया होगा, कोई चीज़ भूल गया होगा, चलो चलो चेक करते। वो दोनों आपस में एक दूसरे से बोलने लगे कि वो कुछ छोड़ के गया होगा, क्योंकि मैजिक जो हर्ब थी बहुत स्ट्रांग थी, तो कुछ छोड़ कर गया होगा, तो चलो चेक करते देखते हैं, कुछ तो अपने पीछे छोड़ कर रख कर गया होगा। द इनकीपर सर्च्ड इन एवरी नुक एंड कॉर्नर ऑफ द रूम बट ही कुडंट फाइंड एनीथिंग। जो इनकीपर था उसने सर्च्ड, मतलब बच्चों तलाशा, उसने रूम का हर एक कॉर्नर, हर एक कोना कोना तलाशा, पर उसको कुछ भी वहाँ पर नहीं मिला। एनीथिंग मतलब कुछ भी, नथिंग मतलब कुछ भी नहीं मिला उसको। हाउ कम ही फॉरगॉट नथिंग, इट आई कांट बिलीव इट सैडी। इनकीपर ने बोला कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इसने कुछ भी नहीं भूला, मैं तो इस बात पे विश्वास नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैजिक हर्ब बहुत स्ट्रांग थी, ऐसा नहीं हो सकता कि इसने कुछ भूला नहीं हो, इसने ज़रूर कुछ भूला होगा, मुझे विश्वास नहीं आ रहा है, क्योंकि मैजिक हर्ब बहुत स्ट्रांग थी, तो मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा है इस बात पर। अब ये इनकीपर बोल रहा था। सडनली द वाइफ स्लैप्ड herself on the forehead, suddenly मतलब अचानक से उसकी जो वाइफ थी अपने आप को फोरहेड पे मारा। We were so foolish, हम लोग कितने बेवकूफ हैं। He has certainly forgotten something, इसने मतलब certainly मतलब ज़रूर कुछ तो भूला है। He has forgotten to pay us, इसने हमें पैसा देना, मतलब जो रहा, जैसे वो मर्चेंट रहा रात को वहाँ पे रहने का, उसको इन में रहने का भाड़ा, और जो उसने खाना खाया, सिंपल सा अच्छा सा खाना खाया, उसने उसका पैसा वो देना भूल गया, मतलब भूला तो सही, मैजिक हर्ब ने काम ज़रूर किया, वो भूला, क्या भूला, वो पैसा देना भूल गया, वहाँ रहने का भाड़ा और खाने का वो जो जितना भी पैसा होता है वो देना भूल गया। द इन कीपर नेवर यूज्ड द मैजिक हर्ब अगेन, अब जो इन कीपर है उसने कभी भी उस मैजिक हर्ब का इस्तेमाल नहीं किया। क्यों बच्चों, क्योंकि उनका नुकसान खुद ही हुआ, दूसरे के ऊपर वो करना चाह रहे थे, ट्रिक करना चाह रहे थे, मर्चेंट को, पुअर मर्चेंट को अब लोग फंसाना चाह रहे थे और वो खुद ही फंस गए। वो मैजिक हर्ब ने काम तो ज़रूर किया, पर किसका नुकसान हुआ, इन कीपर और उसकी बीवी का नुकसान। कैसे हुआ, वो लोग तो कुछ भी नहीं छोड़ के गया मर्चेंट, पर उनका जो भाड़ा था रहने का, जो रात रहा था उसका भाड़ा और जो खाने पीने का था पैसा, वो देना भूल गया, और वो भूल गया हब की वजह से, और वो वहाँ से चला गया। तो इस स्टोरी से हम लोग ये सीखते हैं कि कभी भी किसी को भी हमें ट्रिक नहीं करना चाहिए, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो पुअर हो और कुछ भी हो। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बच्चों, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।